आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। देखिए, टोने टोटके इस टाइप की चीजें मैं अवॉइड करता हूँ जनरली, मगर अभी किसी के फोन आते हैं, लोग मानते नहीं है और लोगों की डिमांड भी होती है। तो मैंने बहुत पहले एक निवले का एक छोटा सा प्रयोग दिया था। ये शकुन अपशकुन, अगर शास्त्र में आप जाएंगे तो आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें होती हैं, चाहे वो नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो वनस्पति है, चाहे और भी कोई चीजें हैं, जो देख के कहीं लगे कि आपके लिए इनके जो शकुन है वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये तो एक इंस्टेंटली कोई चीज दिखाई दी और आपको लगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है। और अगर इसको, इस शकुन को, कुछ अच्छी बुरी चीज जो भी आपको दिखाई दे, इसको फेवरेबल कैसे बनाया जाए, अपने अकॉर्डिंगली कैसे बनाया जाए, इसको शुभ कैसे बनाया जाए, इस शकुन को, वो फिर एक तंत्र का विषय आ जाता है। उसमें मैंने बहुत कुछ काम किया और जो मुझे, मैंने देखा कि जो मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस मैंने जमा करे, तो मुझे लगे कि बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे मिले। अगर मान लीजिए मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते तो बंद कर देता, फिर मैं नहीं करता ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। और वो होना, अगर हम मानते हैं कि अगर 70% या 75% या मोर देन दैट अगर कहीं रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इसका मतलब वो कहीं उसमें फेक नहीं है, वो ठग विद्या नहीं है, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका अस्तित्व जरूर है, कुछ ना कुछ। इसलिए इसको लेके चलना है। निवला कहीं अगर अकस्मात आपको दिख जाए, माइंड द वर्ल्ड, इंसिडेंटली कहीं आप जा रहे हैं और निवला, अब तो क्योंकि सब शहरीकरण हो गया तो नहीं दिखाई देते, मगर जिन लोगों को दिखाई देता है, अगर कहीं दिखाई दे जाए आपको, तो सबसे पहला तो देखिए कि कहाँ से गुजरा, जो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से गुजरा है, जो स्थान वाला, वहां की एक चुटकी, भले ही मिट्टी हो, एक चुटकी मिट्टी उठाने। और अगर किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं तब तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट इशू है, और अगर इंपॉर्टेंट काम से नहीं जा रहे हैं तब अपने घर वापस लौट रहे हैं। और घर वापस लौटने के बाद में, और घर लौटने के बाद आप आए, घर लौटने के बाद जब आप आए तो वो मिट्टी कहीं किसी कटोरी में रख लें, उसमें थोड़ी और मिट्टी ऐड कर लें और उसमें दो अगरबत्ती लगा दें, उसको जला दें अगरबत्ती को, और बैठ के निरंतर ओम नमो नारायणाय ये मंत्र का जाप करते रहे, केवल इतना। और जब तक जाप करें, जब तक ये दोनों अगरबत्तियां बुझ नहीं जाती, फिर उसके बाद में जब बुझ जाए, उसके बाद में अपने गंतव्य की ओर आप बढ़े, जिस काम के लिए आप जा रहे थे, अगर पॉसिबल हो तो। बहुत सारे आदमी होते हैं ना, जैसे कोई किसी इंपॉर्टेंट काम में घर नहीं लौट सकते तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद भी लोगों ने किया, जैसे गए और जाके फिर मिट्टी रहती तो लोगों ने फिर उसके बाद में भी काम किए, वो देख लीजिए जैसा होता है। ये छोटा सा बहुत होता है, ये कहीं आपको लग रहा है कि जहाँ बिल्कुल ही नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे थे, कहीं भी 1% भी चांसेस नहीं बन रहे थे आपके, तो उन कामों के लिए लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली मोटिवेट होने लगी, कहीं ना कहीं लगने लगा कि आपको अपने अकॉर्डिंगली फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने लगे या मिलने की संभावना होने लगी। ये छोटा सा बहुत निर्णय का प्रयोग, मगर ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि इंसिडेंटली दिखाई दे, ऐसा नहीं कि आप निवले की ताट में बैठे हुए निवला आ गया, ये निवला पला हुआ है कहीं, जैसे आपको इंसिडेंटली दिखाई दे। ये छोटा सा उपाय करें दोस्तों, और अच्छा लगे तो बस एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें उन लोगों को, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज क्लिक जरूर कर दिया करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लिया करें, क्योंकि उस वीडियो से रिलेटेड जो भी होता है मैं उससे और बहुत सारे लिंक्स भी दे देता हूँ, ताकि आपको भागना नहीं पड़े, आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेडिंग गोपाला जी।